नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और BSTC परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सर्वश्रेष्ठ नंबर लाएं और बेहतर से बेहतर आपको कॉलेज मिले, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। और एग्ज़ाम से पहले मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जो जो निम्न निम्न बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक छोटी सी गलती हमें कहीं एग्ज़ाम से बाहर ना कर दे या फिर एग्ज़ाम में कोई भूल ना करवा दे। इस उद्देश्य से मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दिशा निर्देश ही समझिए आप, है ना। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं, लेकिन एक बात बता दूँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं आखिर में आपके सामने स्टडी मटेरियल रखने वाला हूँ, यानी शिक्षण सामग्री रखूँगा जो BSTC एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। चले तो देखिए, परीक्षा के समय की बात करें तो 2 से लेकर 5 बजे तक आपका समय है। हालांकि आप अपने एडमिट कार्ड में भी देख सकते हैं कि हमारा जो समय है वो क्या है। 28/8 को आपका पेपर है, यानी 28 अगस्त को। दोस्तों, यहाँ पे एडमिट कार्ड में 30 मिनट पूर्व ही बुलाया है आपको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 1 घंटा पूर्व जाएँ। आपका घर कितना भी नज़दीक हो, फिर भी आप 1 घंटा पूर्व ज़रूर वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर उपस्थित हो जाएं, ताकि हमारे देखो कैसी भी परिस्थिति हो सकती है हमारे साथ। कोई कई बार गाड़ी लेट हो जाती है ना, वाहन लेट हो जाता है, कई बार कुछ पैदल भी चलना पड़ता है, तो कई बार मतलब किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। इसलिए 1 घंटा पूर्व निश्चित समय से पहले पहुँचें, यानी 2 बजे से 1 बजे आप सेंटर पर पहुँच जाएँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ, ठीक है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। देखो, मैं कहूँगा 1 घंटे पहले, क्योंकि किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये तो हम वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा केंद्र जहाँ भी आया है हमें राजी राजी जाके देना है पेपर। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। देखो दोस्त, 2 बजे के बाद में आपको किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति नहीं होगी। और वैसे जहाँ तक मैंने आपको बताया, 1 घंटा पूर्व ही है जो उपस्थित हो जाएं। प्रवेश पत्र के बगैर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, और प्रवेश पत्र आपको साथ में लेके जाना है, है ना। ध्यान रहे, प्रवेश पत्र कटाफटा ना हो, साफ सुथरा प्रवेश पत्र हो। अभ्यर्थी को अपने साथ एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र मूल, देखो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाइए साथ में, है ना। और आप मानते हैं कि आधार कार्ड के अलावा जैसे कि अपने पास और कोई मूल आईडी है तो वो भी ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे पहचान पत्र वगैरह पर आप आधार कार्ड या पहचान पत्र जो भी लेकर जाते हैं, तो उसके लिए उसमें जो है ना, आपके प्रवेश पत्र में जो डिटेल है वही सेम डिटेल होनी चाहिए, अलग नहीं हो, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई है अलग है तो उसके लिए आप या तो 10वीं की मार्कशीट ले जाओ या कोई वो प्रूफ ले जाओ जिसमें प्रवेश पत्र की डिटेल सेम है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। हाँ, और अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र पुस्तिका नहीं ले जा सकेंगे, यानी अब परीक्षा दे दी आपने, ठीक है, आपको एंट्री करवा ली, परीक्षा भी दे दी, अभ्यर्थी साथ में प्रश्न पत्र पुस्तिका नहीं ले जा सकते, वहीं जमा होगी, तो आप वैसे पहले भी नहीं ले जा सकते थे। फोटो एवं सामान्य सूचनाएं उत्तर पत्रक में पहले से अंकित हैं, लिहाजा अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पुस्तिका का नंबर एवं सीरीज अंकित करते हुए हस्ताक्षर करने। देखो, आप हस्ताक्षर तब तक ना करें जब तक कि आपने प्रश्न पत्र, देखो एक तो आपके पास प्रश्न पत्र आएगा, एक OMR सीट आएगी, दोनों के जो है ना वहाँ पे सीरियल क्रमांक जो दिए हुए होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, है ना, यही कह रहे हैं यहाँ पे। तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना एक बार आप, और देख सेम होने के बाद ही हस्ताक्षर करें, नहीं तो आप वहाँ पे जो भी वीक्षक होते हैं, परीक्षा वीक्षक, उनसे कांटेक्ट करें, है ना, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पत्रक और प्रश्न पुस्तिका परीक्षा कक्ष के वीक्षक को सौंप देने हैं आपको, वो तो देना ही है। परीक्षार्थी ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। देखो, मैं ये कहूँगा कि ब्लू पेन ले जाएं आप, ठीक है, और ब्लू पेन में भी वो ले जाएं जो पारदर्शी हो, है ना, और जो ऐसी पेन ले जाए ना जो मीडियम टाइप की, जैसे न वो ज़्यादा इंक फेंके और ना ही है जो बिल्कुल पतली हो, ऐसा भी नहीं, मीडियम टाइप की पेन ले जाना आप साथ में, और एक की जगह 2 ले जाना साथ में, ना एक्स्ट्रा जरूर रख लेना, क्या पता कोई बंद हो जाए। और इलेक्ट्रॉनिक या अनुपयोगी सामग्री साथ ना ले जावे, अगर ले गए और पता चल गया तो आपके साथ किसी भी प्रकार की जैसे
कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। अब इसमें भी आपका कोई है ना कमेंट वगैरह हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और हाँ, सबने डाउनलोड कर लिए होंगे एडमिट कार्ड तो पंजीयक प्री DLED वेबसाइट से, है ना। अब मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ दोस्तों 8 मॉडल पेपर, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो कैसा लगा आपको, है ना। मैं आपके सामने क्लासेस ज़्यादा नहीं ले पाया, राजस्थान GK की क्लास मैंने ज़रूर ली है, और अगर किसी ने रेगुलर वो भी देखी है, ज़्यादा तो रेगुलर नहीं देखी, 300 400 500 भाई बहनों ने वो देखी है, तो निश्चित ही आपको वो फायदा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे 8 मॉडल पेपर की, निश्चित ही फ्री है ना। निश्चिंत रहिएगा, देखो डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो, सीधा डाउनलोड और प्रैक्टिस। गूगल पर आपको जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखो, मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ कि भाई यहीं पे, जैसे अगर आप गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेस टाइप नहीं कर पाओ तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है कार्यालय के अपने 8107670333, ये व्हाट्सएप नंबर है राजस्थान क्लासेस के। आप यहाँ पर मैसेज करेंगे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम लिखकर, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, और आपको ये 8 मॉडल पेपर का लिंक भी सेंड कर दिया जाएगा। बताओ कैसा रहेगा। तो ये नाम डिस्ट्रिक्ट नेम लिखकर आप BSTC मॉडल पेपर भी मैसेज में लिख सकते हैं, ताकि आपको ये हम सेंड कर देंगे। अच्छा, एक बार थोड़ा मैं आपको बता दूं कि गूगल में जाकर कैसे डाउनलोड करना है। आप आए और अपने मोबाइल में ये इस प्रकार का जो आइकन है ना, गूगल क्रोम, क्रोम हो या गूगल हो कोई भी हो, आपको टाइप करना है गूगल ओपन करके, क्या लिखना है, राजस्थान क्लासेस, ठीक है। जैसे मैं आप पे लिख रहा हूँ, देखो RAJ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, देख लो राजस्थान क्लासेस, सेम वही है ना, राजस्थान क्लासेस, देख लो ऐसा मैंने लिखा। और लिखने के बाद में सर्च कर लेते हैं, और उसके बाद में ये आपके सामने पहली ही लाइन आएगी, जैसे ये देखो राजस्थान क्लासेस EDU, इसी पर क्लिक करना, ठीक है, राजस्थान क्लासेस .in EDU पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको देखो, अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड में नहीं है तो डेस्कटॉप मोड में अवश्य कर लेना ये वाला, ऐसे है ना, ये ज़रूर कर लेना। अगर नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं, मेनू में जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर आओगे ना तो देखो BSTC 2023 मॉडल पेपर डाउनलोड और प्रैक्टिस करो, बस इसके ऊपर क्लिक करना है और सीधे सीधे डाउनलोड करने हैं, बस इतना सही है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे वो देखें। BSTC के फुल कोर्स में भी हमने काफ़ी सारी जो स्टडी मटेरियल शिक्षण सामग्री अपलोड करी थी, तो ज़रूर देखें। अच्छा दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी, और फिर भी अगर कुछ रह गया है कमेंट करें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर अगली एक और वीडियो दे दूँगा, तो ये ज़रूर करें। और आप सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट, बेहतर देखो ध्यान से देना है पेपर। मैं आपके सामने एक और वीडियो रखूँगा कि देखो सेफ माइंड के साथ में, पॉजिटिव माइंड के साथ में आपको कैसे पेपर करना है, और एक वीडियो ऐसी आएगी कि तुक्के कैसे लगाने हैं। देखो समझदारी के, देखो तैयारी के साथ साथ में समझदारी भी आवश्यक है, और तुक्के हमेशा समझदारी से लगाए जाते हैं, तो वो भी आपके सामने वीडियो आ जाएगी। अगर हाँ या ना ये भी आप कमेंट करना कि वीडियो आनी चाहिए या नहीं, ज़रूर कमेंट करना, है ना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि उनको ये हेल्प हो सके। धन्यवाद।